हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुबे सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तत्सम तद्भव, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। ये हम लोगों को हम लोग आज एक न्यू टॉपिक तत्सम तद्भव के अंतर्गत ही शुरू करने वाले, जिसमें हम लोग का आज से था का वर्ग। आप सभी लोगों को ध्यान होगा। तो आज हम लोगों का क्या टॉपिक है? हम लोगों का टॉपिक है तत्सम तद्भव, जिसके अंतर्गत हम लोग का क्या है? का वर्ग। हाँ, तो आज से हम लोग का वर्ग स्टार्ट हो रहा था। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में ही, लास्ट 2 वीडियोस से बताया जा रहा है कि का वर्ग स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ से हम लोगों के लिए। तो फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने छोटा बड़ा छोटी बड़ी तक के जितने भी थे हम लोगों के, हम लोगों ने सारे समाप्त कर लिए थे तत्सम तत्व। तो इम्पोर्टेंट PYQ जितने भी थे हम लोगों ने सब फिनिश कर लिए थे। तो आज हम लोगों का एक न्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग कावर्ग से रिलेटेड तत्सम तत्व शब्द देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग को 4 वर्ड देखने हैं। फर्स्ट इज का, सेकंड इज घा, थर्ड इज घा एंड देन घा। 4 वर्ड देखने हैं हम लोगों ने, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, 1 वर्ड के 6 लिए हैं तत्सम तत्व शब्द। अगर 6 6 भी लिए हैं तो 6 × 4 = 24। एक वीडियो में हम लोग लगभग 24 से ज़्यादा देखेंगे। 24 से ज़्यादा इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे मैं एक से ज़्यादा भी बता देता हूँ, कोई पुराना बता दिया, कोई नया बता दिया, एक दो या कई चीज़ें। तो फिर एक वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 25 कवर करने वाले हैं। तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 पार्ट और आएंगे, तो हम लोग लगभग लगभग हम लोगों ने तत्सम तद्भव शब्द देख लिए होंगे अब तक। ज़्यादा नहीं तो हम लोगों ने कम से कम देख लिया है तत्सम तद्भव शब्द, अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब तो पहुंच ही गए होंगे। 100 नहीं, लेकिन 70 80 तक तो पहुंच ही गए होंगे। ऐसा कि नहीं है, क्योंकि मैंने गिने भी नहीं है। अब शायद से ज़्यादा नहीं तो 70 तक तो क्रॉस कर ही गए होंगे हम लोग अब तक। अब आगे के पार्ट्स में जो देखेंगे वो तो है ही। तो चलिए वीडियो को अपना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हम लोग का कच्छपुरी का क्या है? ये तत्सम रूप में है कच्छपुरी का, लेकिन अपभ्रंश होकर तद्भव रूप में क्या हो गया? कचौड़ी। सब लोग खाते हैं, सब लोगों को पता होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता इसे क्या कहते हैं, कच्छपुरी का। कई कई बार बड़े बड़े खेलों में क्वेश्चन ऐसा जाता है, जैसे KBC है या कोई भी गेम है, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं, खाली KBC नहीं, वो तो हम लोग को सिर्फ एक पता है। ऐसे कई सारे गेम होते हैं जिसमें पूछ लेते हैं कच्छपुरी का किसे कहते हैं, कच्छपुरी का किसे कहते हैं। तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है तत्सम तद्भव शब्द। इसीलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट उठा के आप लोगों को बताया जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो, जो आप लोगों को पता भी ना हो। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कच्छपुरी का मतलब क्या होता है? कचौड़ी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, कच्छपुरी का मतलब क्या? कचौड़ी। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में अग्निस्थानिका, अग्निस्थानिका मतलब अंगीठी। याद होगा जिसने फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसे अच्छे से याद होगा अग्निस्थानिका मतलब क्या था? अंगीठी था। फिर क्या था एक हम लोगों ने बताया था अग्रहायण, जिसको अगहन कहते हैं। ये मैं बार बार हर वीडियो में क्यों रिपीट करता हूँ? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जिससे अगर आप लोगों ने 2 से 3 बार सुना तो आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। तो कच्छपुरी का क्या है? तद्भव कचौड़ी। क्या है? कच्छपुरी का तद्भव कचौड़ी। एंड देन है कूप। कूप मीन्स क्या होता है? कुआं। कूप मीन्स क्या होता है? कुआं। गाँव में अभी भी कहा जाता है कूप, जा रहे हैं कूप से पानी भरने। क्या कहते हैं? जा रहे हैं कूप से पानी भरने, मतलब कुएं से पानी भरने, लेकिन अपभ्रंश होकर तद्भव रूप में अब कुआं कहने लगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट है कोटि। क्या है कोटि? कोटि को क्या कहते हैं? करोड़। कोटि को करोड़। जैसे हिंदू सभ्यता में एक है कि 33 कोटि के देवता होते हैं। क्या होते हैं? 33 कोटि के देवता, देवी देवता होते हैं, परंतु किसी ने उसे बता दिया 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। क्या बता दिया उसे? 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो आप ये चीज बताइए, 33 कोटि के होते हैं या 33 करोड़ होते हैं? ये बताइए, 33 कोटि के होते हैं या 33 करोड़ होते हैं? 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि के होते हैं, मतलब 33 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ से तद्भव रूप में है। कोटि का यह मतलब थोड़ी कि करोड़ ही हो, जैसे 33 कोटि कोई चीज़ है, लेकिन पर उसका अर्थ दूसरा है। वो 33 कोटि में 12 आदित्य आते हैं, फिर और कई सारे आते हैं, 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, परंतु 33 करोड़ नहीं होते। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द में भी देखेंगे कई लोग तो ध्यान आएगा 33 कोटि के देवी देवता होते, मतलब 33 करोड़ होते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक, वो तो चलिए अलग का केस है, उसे ध्यान रखिए चाहे ना रखिए उससे कोई वो नहीं, परंतु इतना जरूर ध्यान रखना है कोटि का तद्भव क्या होता है? करोड़ होता है। ठीक, और कच्छपुरी का तो बिल्कुल याद कर लेना है, कच्छपुरी का मतलब क्या होता है? कचौड़ी। ये तो आप लोगों को बिल्कुल रट ही लेना है, इसमें कोई
डाउट नहीं किया ना आए, कई बार पूछा जा चुका, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताया दिया गया है। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। कच्च पुरिका का मतलब होता है कचौड़ी, कुप मतलब कुआं, कोटि मतलब करुण। और फिर नेक्स्ट है कुटुंब। कुटुंब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कुटुंब? द मीन ऑफ कुटुंब इज फैमिली, परिवार। कुटुंब को कहा जाता है फैमिली, परिवार। यह मेरा कुटुंब है। जैसे हमारे भारत में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। लिख दूं मैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसका क्या अर्थ है? आई होप ज्यादातर लोग जानते भी होंगे कि समस्त पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं और हमारा परिवार है। एक इसके ऊपर बहुत अच्छा श्लोक भी है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक बार फिर से सुनिएगा, ये वसुधैव कुटुंबकम पर ही है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका क्या है? अब एक एक लाइन का भावार्थ समझा देते हैं। जस्ट 1 मिनट का श्लोक है तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे अयम निजः परो वेत्ति, यह मेरा है या तुम्हारा है, यह मेरा है या तुम्हारा है। पहली पंक्ति का गणना लघु चेतसाम, इसकी इसकी जानकारी छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं। मतलब जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं वो लोग यही कहते हैं कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है उदार चरिता नाम, बड़े हृदय वाले लोग, तू वसुधैव कुटुंबकम। बड़े हृदय वाले लोग तो समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर चलते हैं। तो यही इसका मतलब है। कुटुंब से आया था तो मैंने बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने देश में चलती है। हम लोग हिंदुस्तानी, तो कुटुंब का मतलब होता है परिवार, परंतु तद्भव रूप में इसको कहा जाता है कुटुंब। कुटुंब नहीं बोलते, कुटुंब बोलते हैं। आप लोग नोटिस करिए, जैसे कहीं गांव में या घर में कहीं बैठे हो तो कहते हैं कि ये मेरा कुटुंब है, कुटुंब है। कुटुंब नहीं बोलते, कुटुंब बहुत कम ही लोग बोलते हैं। या तो कुटुंब बोलेंगे या परिवार बोलेंगे। तो कुटुंब का तद्भव क्या हो गया? कुटुंब हो गया। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। आई होप आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का कदली। क्या है? कदली फलम। कदली कह लीजिए या कदली फलम कह लीजिए, बात एक ही है। तो कदली का मतलब क्या होता है? केला होता है। आप लोगों को याद होगा हम लोग फर्स्ट वीडियो से हम लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग एनिमल्स पे, खाने पीने वाली चीज़ों पे और फलों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप लोगों को अब इस वीडियो में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि 2-3 बार बताया जा चुका है फर्स्ट वीडियो में। आंवला, आम, इमली, आंवला, इमलिका, आमरम, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, इस बार रिपीट नहीं करेंगे। ये सब फलों के नाम क्यों बताए जा रहे हैं, जानवरों के नाम क्यों बताए जा रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इतना आप लोग भी जानते हैं कि कोई चीज़ बार बार रिपीट क्यों की जाती है। अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो वो हर वीडियो में रिपीट ना की जाए। तो इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बार बार एक चीज़ ही रिपीट क्यों की जा रही है। तो कदली का ध्यान कर लीजिएगा। कदली का तद्भव है केला, ठीक। फिर नेक्स्ट है कथावत। कथावत मतलब कहा जाने वाला, परंतु यह अपभ्रंश होकर क्या बन गया? कहावत। जैसे हमारे समय की ये कहावत है, हमारे समय की वो कहावत है, लोग कहते नहीं है ये कहावत है, तो यही है। यह कहावत कहाँ से आई है? कहावत आई है आपकी कथावत से, ठीक। कथावत से क्या बनी है? कहावत। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा खावर। हम लोगों ने का से छे देख लिया, अब खा की बारी है, खा से रिलेटेड चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो खा में फर्स्ट है क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। अब कई लोग कहेंगे खा में छा कहाँ से आ गया, परंतु खा के अधिकतर जो होते हैं तत्सम के और तद्भव के, तो वो लगभग सेम ही रहते हैं एक तरह से, ठीक। तो क्षेत्र है, क्षेत्र का हम लोगों का क्या हो जाता है? क्या होगा? क्षेत्र का खेत। लोग कहते हैं ये हमारा ही क्षेत्र है, ये सामने जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सब मेरा क्षेत्र है। क्या है? मतलब ये मेरा खेत है, ठीक। तत्सम रूप में क्षेत्र होता है, तद्भव रूप में खेत होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्षुरप्र। क्या है? क्षुरप्र, जिसको तद्भव रूप में हम लोग खुरपा कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा, यदि आप गाँव से बिलोंग करते तो जरूर ही देखा होगा, और आई थिंक शहर वाले लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि शहर वालों ने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा खुरपा। कोई बहुत वो चीज़ नहीं कि अमेरिका की चीज़ हो जो किसी ने ना देखी हो, नॉर्मल चीज़ है, सबके घर में भी होता है, किसी को काम करते भी आप लोगों ने देखा होगा। तो छुरप्र का मतलब क्या होता है? खुरपा, ठीक। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, छुरप्र का क्या मतलब है? खुरपा, ठीक। नेक्स्ट है खटवा। ये तो आप लोगों ने जरूरी सुना होगा, क्योंकि ये अधिकतर गाँवों में यूज होता है। जैसे कोई मेहमान आए या अतिथि आए तो कहते जाओ खटवा
खटवा ले आओ जाके, मतलब क्या खाट ले आओ मेहमानों के सोने के लिए, खटवा ले आओ, क्या ले आओ, खाट, जिसको हम लोग कहीं कहीं कुछ स्थानों पर खटिया भी कहा जाता है, तो वही चीज़ भी ठीक, परंतु तो तत्सम रूप में हम लोग का खटवा होता है, अपभ्रंश होकर उसे खाट कहा जाने लगा तद्भव रूप में, अपभ्रंश का उसको छोटा एक तरह से कर दिया गया, जैसे खटवा कहा जाता था कहीं कई स्थानों पर, से खटिया भी कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है तद्भव रूप में, खाट कहा जाता है ठीक। और फिर नेक्स्ट हम लोग का क्षत्रिय, चार वायु होते हैं जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप लोगों ने पढ़े होंगे, उससे हमें कोई रिलेशन नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग के सामने क्षत्रिय, इसको तद्भव रूप में अब हम लोग क्या कहते हैं, खत्री कहते हैं, ये खत्री घर से बिलोंग करते हैं, असल में पहले कहीं क्षत्रिय होता था, उसे भ्रंश करके खत्री कर दिया, परंतु आप लोग को पता होना चाहिए क्षत्रिय और खत्रिय दोनों अलग चीज़ होती है ठीक, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, उसे अभ्रंश करके एक जैसा कहा जाए तो वो बात अलग है, परंतु तो क्षत्रिय और खत्रिय दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में और ना बताता ठीक। तो क्षत्रिय का आप लोग को ये ध्यान रखना है, तद्भव क्या होता है खत्री। नेक्स्ट है छुरिका, नेक्स्ट क्या है छुरिका, इसका क्या हो जाता है छुरी, क्या हो जाता है इसका, हो जाता है छुरी, और आप लोगों को होता है इसमें, अब आप लोगों को ध्यान की ज़रूरत है, मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान की ज़रूरत है किस लिए, पूछे किस लिए, पूछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड है, मैं खुद ही बताता हूँ। देखिए आप लोग अगर देख पा रहे हो तो देख रहे हैं छुरिका में भी, यहाँ पे भी, छा और छा में यहाँ क्या अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है, आप लोगों को खुद दिख रहा होगा, बट आप लोग ये देख रहे होंगे, ये छा, इन दोनों में कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक, दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये बताइए, तो ये चीज आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। जैसे एक वर्ड में लिख लेता हूँ, जैसे होता हम लोगों का क्षति, इसका हो जाता है, एक होता है छीण, इसका हो जाता है छीन ठीक। तो ये सब चीज़ें आप, ये दो और एग्जांपल बता दिए गए, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये दो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, दिख रहे होंगे वीडियो में क्लियर ही, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये जानते हैं, क्योंकि ये जो छा से रिलेटेड वाले होते हैं, इसमें ये आ जाता है हम लोगों का, जैसे छा है छतरी वाला छा, उसको छाते वाले छा से रिप्लेस कर दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है, एक दो बार नहीं कई बार ऐसा होता है कि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा फोकस करके बताया जा रहा है ये चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि फोकस करके कहाँ बताया जाता है, जहाँ पे पता होता है कि कोई गलती की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे ये है छतरी वाला छा छुरिका है, इसका क्या हो गया छुरी, ये क्षमा है, ये हो गया क्षमा, क्षति क्षति, छीण छीण, उच्चारण समान रहेगा ठीक, लगभग लगभग समान रहेगा, थोड़ा सा आता है डिफरेंस, बिल्कुल लिटिल बिट सा, जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन क्षति एंड क्षति। एंड आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, इसमें होता क्या है, यही गेम होता है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा हो सके छा से वाले वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, कि क्षमा में कौन सा छा होता है, क्षति में कौन सा छा होता है, छीण में कौन सा छा होता है, छुरिका में कौन सा छा होता है, क्षत्रिय में कौन सा छा होता है, अगर इसकी जगह ये छतरी वाला छा कर देंगे, छतरी अम्ब्रेला वाला छा, तो भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और बहुत जगह यही करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए यही होता है, इसीलिए तो दिए गए हैं ये PYQ ही है, ये कोई मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये सब PYQ है, इंपॉर्टेंट है, लोगों के गलत हुए हैं, तो वही चीज़ जो मुझे पता चलती, जो उन्होंने रिव्यू दिया, फीडबैक दिया मुझे कि यहाँ पे ये गलत हुई, वहाँ पे वो गलती, इस चीज़ को बताइएगा आप कि बच्चे आगे गलती ना करें, तो वही चीज़ बताई जाती है आप लोगों को पिंच आउट करके, कि इसे आप लोगों को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक, कि आगे आप लोगों का गलत ना हो, तो ये छा वाली चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, छुरिका का छुरी हो जाएगा, क्षमा का क्षमा, ये तत्सम तद्भव है, छा का अंतर है सही यही है, ये तद्भव रूप में है, क्षति का मतलब होता है हानि हो जाना, किसी चीज़ की क्षति हो गई ठीक, और छीण मतलब किसी चीज़ का घट जाना, तो 6 6 6 6 6 24, 24 25 26, 26 तो ऐसे ही हो गए, मतलब एक वीडियो मैंने पहले ही कहा था 25+ देखेंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बताता रहता हूँ आगे, तो आप लोगों को पता है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के दो वर्ड बाकी हैं पूरे पूरे, गा और घा, और वीडियो अभी 15 मिनट्स का हो चुका है, और ज़्यादा लॉन्ग ना हो वीडियो को, हमें कम समय के अंतर्गत ही रखना है, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज देनी है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, आपका अपना चैनल कंप्यूटरपुर।
हमेशा से आप लोगों के लिए सोचता आया है, हमेशा आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ प्रोवाइड किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके बदले? सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब के बदले आपका एक लाइक चाहिए। और आपसे कोई भी पेड कोर्स नहीं कहता ज्वाइन करिए, या आपसे ये नहीं कहता कि मेंबरशिप लीजिए, या टेलीग्राम पे पैसे पड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, किसी चीज़ पे पैसे नहीं। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF वो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। हर चीज़ तो आपको मिल रही है। डेली आपको मैथ्स की क्लास मिलती है, रीजनिंग की क्लास मिलती है, मैथ है, रीजनिंग है, कैलेंडर है, और कंप्यूटर के तो आपको वीडियोज़ मिलते ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को क्या जा रहा है, आप लोगों को खाली एक सब्सक्राइब करना है, और डेली आपको न्यू वीडियोज़ हर टॉपिक पे मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी भी होती रहेगी, आपको कोई भी वो मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग का वर्ड है गा। क्या है गा? तो जिसमें फर्स्ट हम लोग का ग्रंथ थी, क्या है ग्रंथ थी, इसको तद्भव रूप में कह देते हैं गांठ। क्या कहते हैं गांठ? इसको जैसे ज़्यादा ना समझा के, जैसे कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं जैसे फूल गई, ठीक, इनको बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक, लिम्फ नोड्स कहा जाता है बायोलॉजी लैंग्वेज में, ठीक। जैसे फूल गई, सूजन आ गई, या किसी भी कारणवश आ गई, तो उसको होती तो ग्रंथि ही है, उन्हें ग्रंथि ही कहा जाता है, परंतु साधारण भाषा में कहते हैं गांठ पड़ गई। क्या कहा जाता है? गांठ पड़ गई। तो इससे ध्यान रखना है आप लोगों को, ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तद्भव रूप में गांठ। ग्रंथि को क्या कहते हैं? तद्भव रूप में गांठ कहते हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है ग्राहक। ग्राहक कौन? उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, और फिर यही एक साइकिल चला करती है आपकी, कौन सी बिजनेस साइकिल, जो कुछ भी कहा जाता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो ग्राहक है तो उसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं ग्राहक। जैसे गांव में कोई शॉप पे जाइए तो लोग कहते हैं कि ये हमारे पुराने ग्राहक हैं। क्या कहा जाता है? ये हमारे पुराने ग्राहक हैं। तो इसका यही मतलब है, ये हमारे पुराने ग्राहक हैं। तो ग्राहक तत्सम रूप में, उसको तद्भव रूप में परिवर्तित करके ग्राहक कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग का गोधूम। क्या है गोधूम? ये संस्कृत में भी यही गोधूम ही रहता है, तत्सम रूप में भी गोधूम रहता है, तद्भव रूप में होता है गेहूँ। सबको पता होगा, ठीक, आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ पता होगी। तत्सम रूप में भी गोधूम है, संस्कृत में भी गोधूम है, और तद्भव रूप में हो जाता है गेहूँ, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का गर्दभ। क्या है गर्दभ? गर्दभ का मतलब होता है गधा। क्या होता है? गधा नहीं, गधा इसमें तद्भव रूप में लिखा गया है, ठीक। गर्दभ मीन्स होता है गधा। तो गर्दभ जो है ये तत्सम में भी यूज होता है, संस्कृत में भी यूज होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक। गोधूम है, ये भी संस्कृत में यूज हो जाता है, ठीक। ऊपर कदली की बात की थी, कदली फलम या कदली खाली, जिसको केला कहा जाता है, नॉर्मल फल है, वो भी आपका संस्कृत में भी यूज होता है। तो इसमें देखिए, गोधूम देखा, गर्दभ देखा, ग्रद्ध देखेंगे अभी आगे, और बहुत देखेंगे जो संस्कृत में भी, एज संस्कृत और तत्सम में एज अ सेम टू सेम यूज होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है तत्सम जो वर्ड है वो सीधे संस्कृत से आए हैं, ठीक, सीधे संस्कृत से आए हैं, और तद्भव संस्कृत से अपभ्रंशों के बने हैं, प्राकृत हुए हैं, पुरानी हिंदी से गुजरे हैं। तो थोड़ा इसमें थोड़ा क्यों, बहुत सारा चेंजेस आ गया। जब कच्च पुलिका को कचौड़ी बना दिया, अग्निस्थानिका को अंगीठी बना दिया, तो बात थी समाप्त। तो हम लोग कहाँ थे? गर्दभ भेजते हैं, गर्दभ पे नहीं थे, गर्दभ को पढ़ रहे थे, ठीक। तो गर्दभ का क्या था? है गधा है। नेक्स्ट हम लोग का ग्रद्ध। क्या है ग्रद्ध? ग्रद्ध का क्या होता है? तद्भव गिद्ध होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, जो आपके PYQ भी हैं। अगर आप लोग सारे वीडियो तत्सम तद्भव के देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई केस हो जिसमें आपके एक छूट जाए, किसी भी एग्जाम की बात हो, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहे कि खाली इसी एग्जाम में, अगर उस एग्जाम में तत्सम तद्भव आ रहा है और आपने हम लोगों के सारे वीडियोज पार्ट शुरू से लेकर एंड तक देखे हैं, तो आप मेरी गारंटी कि एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको आएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोगों को आते जाएंगे। तो गृद्ध का तद्भव होता है गिद्ध, आप लोगों को पता है। गृद्ध का क्या होता है? गिद्ध होता है तद्भव। और सिक्स नंबर पे हम लोग का है गो, जिसको हम लोग कहते हैं गौ माता। गौ माता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब लोग कहते हैं। और अच्छा, एक आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं गाय के बारे में, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद पता भी हो या ना पता हो, जैसा सुना है कई लोगों से सुना है, तो वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे गाय होती है उसको माता क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय ही सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण कर पाती है। जब एक बछड़ा या कोई भी अपनी माँ को, गाय को आवाज़ देता है तो माँ करके बुलाता है, तो इसीलिए उसे हम लोग माता कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा जानवर है, और कोई जानवर नहीं है जो गाय का उच्चारण कर पाए। तो गो का मतलब क्या होता है? गाय। तो
ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक दो तो हम लोग एक दो तीन तो हम लोगों ने जानवर देखे, ये एक हम लोगों ने फसल का भी देख लिया, ऊपर एक फल का भी नाम देख लिया। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी। गाय से हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग घावड़। लिए फर्स्ट है घटी। क्या है घटी? तो इसको कहते हैं घड़ी तद्भव रूप में। जैसे कहा जाता है यह घटना किस घटी कैसे घटी, मतलब उसका अर्थ होता है यह घटना किस घड़ी घटी। ठीक, तो घटी का मतलब क्या होता है? घड़ी। क्या होता है घटी का मतलब? होता है घड़ी। फिर नेक्स्ट होता है घट। क्या होता है? घट होता है। घट का मतलब होता है तत्व रूप में घड़ा। घड़ा क्या होता है? घड़ा होता है। घट का क्या होता है तत्व रूप में? घड़ा, आप लोगों को पता होगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का घोटा। ये हम लोगों का आज के वीडियो का फोर्थ एनिमल है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। घोटक मीन्स क्या होता है? घोड़ा। और जैसा कि बता दें घोटक ही संस्कृत में भी यूज होता है। संस्कृत में इसका मीनिंग या कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, एज अ घोटक ही संस्कृत में भी यूज होता है। ऊपर हम लोगों ने तीन देखे दिख रहे होंगे आपको, गर्धव, गृध और गो। इसमें से गर्धव गधा है। ये हम लोगों का आज के वीडियो का फोर्थ एनिमल है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। घोटक मीन्स क्या होता है? घोड़ा। और जैसा कि बता दें घोटक ही संस्कृत में भी यूज होता है। संस्कृत में इसका मीनिंग या कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, एज अ घोटक ही संस्कृत में भी यूज होता है। ऊपर हम लोगों ने तीन देखे दिख रहे होंगे आपको, गर्धव, गृध और गो। इसमें से गर्धव गधा है, गृध माने गिद्ध एक पक्षी है, गो गाय एक एनिमल है। ठीक, दो एनिमल एक पक्षी, ऊपर एक फल देखा, एक फसल भी देखी। घटी मीन्स घड़ी, घट मीन्स घड़ा। अब घोटक देखे, घोटक को घोड़ा भी कहते हैं। और जब पर्यायवाची पढ़ाए जाएंगे तो आप लोग घोड़े के पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि घोड़े के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो घोटक का तद्भव क्या होता है? घोड़ा, आप लोगों को पता है। ठीक, नेक्स्ट है घृत। घृत माने घी। घृत माने घी, ये आप लोगों को पता होंगे जहाँ तक। और फिर नेक्स्ट हम लोग का घृणा। घृणा माने घिन। तो कहते हैं मुझे तुमसे घृणा है, मुझे तुमसे घृणा है, मतलब क्या? मुझे तुमसे घिन आती है। तो घृणा का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? घृणा का तद्भव क्या होता है? घिन होता है। नेक्स्ट है घोंग। क्या है? घोंग, जिसका तद्भव होता है घोंगा। क्या होता है? घोंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डेली यूज़ वाली बहुत सारी चीज़ें देखी। समस्त तो डेली यूज़ की है, बहुत सारी क्या, एक आधी चीज़ें जो हों जो हम लोगों ने ना यूज़ की हों, बाकी तो सब डेली लाइफ से रिलेटेड होता ही है, क्योंकि हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, यही हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो अधिकतर चीज़ें सब सेम टू सेम ही होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखी लगभग 25+ तत्सम तद्भव शब्द, जिसमें हम लोगों ने पूरा अपना का वर्ग फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का बनेगा दूसरे वर्ग पे। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हुई है आप लोगों की। हम लोगों ने काश के छः देखे, खा के छः सात देखे, गा के छः देखे, घा के छः देखे, तो लगभग 25+ हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।